नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। 9 बजे की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुई सांप्रदायिक हिंसा की लपटें अब मध्य प्रदेश की तरफ भी पहुंच रही हैं। पूरे देश में उत्तर प्रदेश की इस हिंसा का विरोध और इसकी निंदा की जा रही है। कासगंज में हुई हिंसा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक छात्र नेता चंदन गुप्ता की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर छतरपुर की करनी सेना ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। छत्रसाल चौक पर करनी सेना के जिलाध्यक्ष शिव प्रताप सिंह और उनके समर्थकों के द्वारा एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इसके बाद सभी ने मृतक चंदन गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। तिरंगा यात्रा के दौरान जो नरसंहार हत्याएं हमारे भाइयों की गई है, अगर भारत में ही ये तिरंगा यात्रा के दौरान अगर पाकिस्तान जिंदाबाद, अगर कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है तो उसको मार दिया जाता है। इसके उपलक्ष्य में सरकार को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और हमने अपने भाइयों को, ऐसे वीर जवानों को जो अपने भारत देश के लिए जान देते रहे हैं शुरू से, ऐसे को सत सत नमन करते हैं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। 9 बजे की खबर में इतना ही। थोड़ी देर में देखिए पूरी खबरों का पूरा बुलेटिन।